नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग लाइफ इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 5 HP सोलर सिस्टम के बारे में। ये जो खेत के अंदर लगा हुआ है 5 HP का सोलर सिस्टम, इसके अंदर 330 वोट की 16 प्लेटें लगी हुई है, जो चार चार प्लेट के चार पैनल हैं। इसके अंदर 5 HP का DC मोटर डला हुआ है बोर के अंदर, और इसका प्रेशर आप देख सकते हो, अच्छा प्रेशर है। 3 इंची पाइप है ये, अच्छा पानी निकाल रहा है। समय है अब 9:38, मतलब सुबह दोपहर में और भी ज़्यादा पानी निकलेगा इसमें। इसके अंदर ये आप देख सकते हो, अच्छे से आपको दिखाएंगे, मतलब लगभग 1.5-2 बीघा रूनी का पानी एक दिन में निकाल देती है। तो देख सकते हो आप, ये स्टार्टर लगा हुआ है इसके अंदर, नंबरिंग वाला। ये लगभग आजकल नंबरिंग वाला जो स्टार्टर होता है, इसमें AC और DC मोटर दोनों चला सकते हैं अपने। अभी इसमें DC का मोटर लगा हुआ है। DC मोटर का एक फ़ायदा होता है, ये AC मोटर के मुकाबले पानी ज़्यादा निकालता है। सुबह चालू भी जल्दी होता है, AC मोटर से लगभग आधा एक घंटा पहले ये स्टार्ट हो जाती है, और शाम को भी आधा एक घंटा लेट तक चलती है। ये आप अच्छे से देख सकते हो, इस तरह से पैनल लगा हुआ है। ये डिग्गी बनी हुई है लगभग 80x135 में। ये मोटर लगभग अब गर्मी के अंदर भर देती है इसको, 5 या 6 दिन में फुल कर देती है। इसमें से वापस पानी निकालने के लिए भी रखा हुआ है, ये देख सकते हो आप, ओल्ड इज गोल्ड। भारत जोत का इंजन है ये, 98 मॉडल। ये लगभग एक घंटे में 1.25 लीटर डीजल ही खाता है, और एक घंटे में लगभग 1 बीघा रूनी का पानी निकाल देता है। अच्छी किस्म का इंजन है ये, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी भी लगभग 25 साल पुराना हो गया। ये प्लेटें भी आप देख सकते हो अच्छे से, लगभग 5 HP की मोटर से 25 या 30 बीघा भूमि में से आसानी से उपज ली जा सकती है। अच्छा पानी है, पानी भी मीठा है बोर का, अच्छा है। ये देख सकते हो आप, अभी पहले कनक की बिजाई की हुई थी, अब समय नरमा बिजाई का समय चल रहा है। देख तो प्लास्टिक डिग्गी बनी हुई है, तो एक बहुत ही अच्छी सुंदर बनाई हुई है, लगभग बिल्कुल पक्की डिग्गी के जैसी ही है। इस डिग्गी को लगभग 10 साल हो गए, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, प्लास्टिक डिग्गी के अंदर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी बढ़िया बढ़िया जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।